तो दोस्तों हम जानेंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर और जाने माने अभिनेता देवानंद के बारे में। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1923 में। इनका पूरा नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, अपनी स्नातक पढ़ाई पूरी की। 1943 में देवानंद मुंबई आए। उन्हें अभिनय के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी रुचि थी। मुंबई में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके साथ उनके कुछ दोस्त, उनके कुछ साथी आए हुए थे। वे भी अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आए थे। देवानंद को 3 साल तक संघर्ष करने के बाद एक फिल्म में ब्रेक मिला। प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म थी जिसका नाम था हम एक है। यह फिल्म 1946 में रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म ज़्यादा चल नहीं सकी। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी, जो कि 1948 में रिलीज़ हुई थी, इसमें देवानंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी और यह फिल्म काफ़ी सफल सिद्ध हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम था नवकेतन, और इस तरह वह फिल्म निर्माता बन गए। साल 1952 में देवानंद ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बाजी। इस फिल्म में उन्होंने एज अ डायरेक्टर गुरुदत्त को चुना और यह फिल्म सफल सिद्ध रही। 1954 में देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर रिलीज़ हुई। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस थी कल्पना कार्तिक, और इसके बाद देवानंद ने कल्पना से शादी की और साल 1956 में उन्हें एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। बेटे का नाम सुनील आनंद और बेटी का नाम देवीना आनंद। देवानंद की कुछ फिल्में हम देखते हैं जो कि हिट रही। जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, हम दोनों, काला बाजार, तेरे मेरे सपने, काला पानी, CID, तेरे घर के सामने, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, प्रेम पुजारी और हेरा फेरी। ये हेरा फेरी वो बाबू भैया वाली नहीं है, ये 1971 में देवानंद की एक फिल्म आई थी जिसका नाम है हेरा फेरी। आपको बता दें कि देवानंद के 3 भाई थे और 1 बहन थी। उनकी पर्सनालिटी और लोकप्रियता के चलते देवानंद का नाम पड़ गया था एवरग्रीन देव। 70 के दशक में देवानंद की कई सारी हिट फिल्में रिलीज हुई। उस समय पर वे बहुत ही विख्यात अभिनेता थे। देवानंद की लास्ट फिल्म थी चार्जशीट, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी और यह फिल्म साल 2011 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद बढ़ती उम्र के साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपना इलाज लंदन में करवाया। 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से देवानंद का देहांत हुआ। हमें उम्मीद है आपको देवानंद के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।